देखिए, सबसे पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए बना है। पूरे इंडिया में 2006 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हमारी यूटी में रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसके ट्रेनिंग क्लासेस चल रहा है हमने कुकरनाग में। तमाम जो डिपार्टमेंट और दीगर लिंक्ड पंचायत के साथ लोग हैं, तो उनको थोड़ा हमने इसमें ट्रेनिंग में अवेयरनेस दे दी कि कैसे कौन चीज कैसे करनी है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो बेसिक यूनिट होता है वो ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा सबसे पहले फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनाएगी जिसमें मिनिमम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम 15 मेंबर्स होते हैं। 2/3 उसमें मेंबरशिप होनी चाहिए एसटीज की और 1/3 वुमेन अमंग वुमेन। अगर कहीं पे एसटीज अवेलेबल नहीं है तो वुमेन्स का एक और हिस्सा बढ़ जाता है 1/3। दूसरा लेवल इसका है सब डिविजनल लेवल पे। सब डिविजनल लेवल में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब इसके चेयरमैन होते हैं। तीसरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसमें डिप्टी कमिश्नर इसके चेयरमैन होते हैं। और तीसरा यूटी लेवल पे होती है जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है। जो प्रपोजल हर एक ही कमेटी का होता है, ये यूटी लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी होती है। इसमें एक ही कमेटी ऑथराइज है जो कि कोई भी राइट्स की एप्लीकेशन ले सकती है। जो वो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो ग्राम सभा लेवल पे गांव के लेवल पे है, वही सारे प्रपोजल मूव करेगी सब डिविजनल लेवल कमेटीज को। फॉरेस्ट डेवलपर्स को ये फायदा होगा कि जो उनकी जमीन है जो रिकॉग्नाइज नहीं थी, जो उनको अलॉट नहीं थी, वो उनको अलॉट हो जाएगी, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर सकते हैं। वो इनहेरिट हो जाएगी सपोज ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन को, लेकिन सेलिंग बाइंग इसमें नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो लैंड का लिमिट है वो 80 कनाल्स है। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लैंड है 120 कनाल्स सपोज, उसमें से उसको 80 अलॉट हो जाएंगे, बाकी 40 उसको छोड़ना है, तो मैक्सिमम लिमिट है 80 कनाल्स का। तो दूसरा इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोविजन है। अगर कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है, कहीं पे स्कूल बनाना है, कहीं पे स्टेडियम बनाना है जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए होगा, तो उसमें 1 हेक्टेयर यानी कि 20 कनाल तक अलॉटमेंट हो सकते हैं। मेज फील्ड बनाता है प्योरली फॉर सस्टेनेंस ऑफ हिज लाइफ, नॉट फॉर कमर्शियल और बिजनेस। यही गुजारिश है कि जितनी उसको अलॉटमेंट होती है वो नए सिरे से कोई एनक्रोचमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा ही इसमें जो हमारे पेड़ आते हैं उसकी लैंड में जो कॉनिफर क्रॉप है, कायल का, बुदलू का, देवदार का, उनके साथ वो छेड़खानी नहीं करेगा। बस जो लैंड दी गई है उस पे वो सस्टेन करेगा, उस पे अपने शीप लाइफ स्टॉक को चरवाएगा, मेज फील्ड बनाएगा, और कोई कंस्ट्रक्शन या प्योर वो होटल इंडस्ट्री वो खड़ा नहीं कर सकता है। देखिए, आज जो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से जो ट्रेनिंग इम्पार्ट हुई है आज कोकरनाग के इस बजट एकोमोडेशन में, हमारे मोतबर जहीन रेंजर साहब पीर ज़ादा रियाज अहमद और थे हमारे रेंजर साहब मोहम्मद इकबाल खांडे और बजात खुद मैं आबिद हुसैन खान, इसमें शमूलियत इख्तियार की। और बाकी जो दीगर महकमा जात के मुलाजमीन थे उसमें नायब तहसीलदार साहिबान और पटवारी साहिबान, जो नंबरदार चौकीदार और हमारे फारिश गार्ड साहिबान थे, उन्होंने इसमें शिरकत शमूलियत इख्तियार की। तो उसके हवाले से जो खदुखाल इसके या इसके ताई जो लोगों को उजागर कर रहा है, तो उसके बारे में हमने इनको ये मालूमात आज उनके सामने बयान की। देखिए, ये तो खुशाइंद है बात है उनके लिए कि वो उनको मालिकाना हुकूक मिल रहे हैं, लिहाजा उनको भी चाहिए कि ये तभी मिल रहा है जब वो फॉरेस्ट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर फॉरेस्ट नहीं होता तो उनको मालिकाना हुकूक भी नहीं मिलते। इसीलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो जंगलात है उनका तहफ्फुज़ यकीनी बनाए।